पहली शक्ति है, दूसरी चित्त है, और तीसरी बात होती है आनंद की। और सुनते जाओ मजा लेते जाओ, सुनते जाओ मजा लेते जाओ, स्वाद लेना रस लेना। तो एक महात्मा ने श्री कृष्ण की बात का मजा लिया। वो बोलते हैं कि सर्वा गीता मया गीता तत्र प्राप्तो विनिश्चया, सर्व धर्म परित्यागी सर्व पापी प्रमुच्यते। मैंने सारी गीता खूब खूब पढ़ी और पढ़ के वहां से ये निश्चय निकाला, ये निर्णय निकाला कि जो सब धर्मों का परित्याग कर देता है वो सब पापों से छूट जाता है। देखो मजेदार है, सर्व धर्म परित्यागी और सर्व पापी प्रमुच्यते, जो सब धर्मों का परित्याग कर देता है वो सब पापों से छूट जाता है। अरे बाप क्या बोल रहे हो। अब आप एक लौकिक दृष्टांत सुनो। एक आदमी ने कोई अच्छा काम किया, सरकार ने उसके लिए पुरस्कार की घोषणा की, इसको 5,000 रुपया पुरस्कार मिलेगा और उसने कोई गलती की, समझे, उसने कोई गलती की। वो बोले भाई इसको जुर्माना कर दो, जेल में भेज दो। अब जिसको जुर्माना हुआ, जेल की सजा हुई, वो कहे मैं सजा का त्याग करता हूं, तो सजा का त्याग कर सकता है? जुर्माना छोड़ देने का या जेल की सजा छोड़ देने का अधिकार बुराई करने वाले को या जेल जाने वाले को नहीं है, लेकिन जो पुरस्कार उसको मिला है वो छोड़ देने का अधिकार है उसको। वो सरकार से कहे कि हम चाहते हैं कि इस रुपए को सरकार स्वयं भी किसी अच्छे काम में लगा दे, किसी बांध में लगा दे, किसी विद्यालय में लगा दे। यदि वो पुरस्कार की रकम को छोड़ दे तो सरकार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो कहे कि मैं जुर्माने की रकम छोड़ता हूं तो सरकार उसको माफ नहीं कर सकती। तो जुर्माना या सजा माफ करना तो सरकार के हाथ में होता है, और पुरस्कार को छोड़ देना ये साधारण मनुष्य के हाथ में होता है। हम अपने धर्म का समर्पण कर सकते हैं, परंतु अपनी बुराई का समर्पण कैसे कर सकते हैं? तो हमारे घर में रोटी दाल बनी है, हम किसी को खिला सकते हैं, पर हमारे घर में कोई जहर है तो उसको किसी को नहीं खिला सकते। तो आप देखो, अब भगवान कहते हैं कि देखो भाई, धर्म को तो मान मान के तुमने किया है, बड़ी मुश्किल से धर्म करने में स्वाभाविक रुचि लोगों की नहीं होती, कुछ जन्म जन्मांतर का संस्कार हो तब स्वाभाविक रुचि होती है। ईश्वर की कृपा हो, शास्त्र में श्रद्धा हो, अपने आचार्यों पर और उनकी आज्ञा में श्रद्धा हो, तब मनुष्य धर्म करता है। और पाप जो है ये अनादि काल की वासना से इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इनको सिखाना नहीं पड़ता, खुद किए जाते हैं। मैंने अब तो सुना है कि जेब काटना सिखाने के लिए जेब कतरों ने स्कूल भी बना रखा है, पर वो गुप्त रूप से चलता है, चोरी का चोरी सिखाने के लिए चोरों का। पर काम क्रोध लोभ की शिक्षा देने के लिए कोई विद्यालय नहीं होता है। मनुष्य जन्म से ही काम क्रोध लोभ सीख लेता है,
पश्चात सीखता है नाना नानी दादा दादी माँ बाप अपने पूर्वजन गर्भ के समय का खान पान पैदा होने के बाद खान पान और संसार तो अपने आप सीख लेता है। काम क्रोध लोग सीखने के लिए विद्यालय में नहीं जाना पड़ता। ये तो ऐसे पीछे पड़े हैं महाराज कि न चाहो तब भी तुम्हारे जीवन में जगह निकाल के घुस जाए, परंतु धर्म सिखाने के लिए तो विद्यालय होते हैं। मजहबी लोग पादरी लोग मौलवी लोग पुरोहित लोग पंडित लोग दस्तूर लोग सिखाते हैं कैसे धारण करना। तो जीव के लिए धर्म छोड़ना तो बहुत सुखद सर्वधर्मान तरीके, लेकिन पाप छोड़ देना ये जीव के वश में नहीं। छोड़ते छोड़ते भी ये कहीं न कहीं घुस जाता, होम करते करते भी लकड़ी में जौ में साकल्य में बहुत से जीव जंतु जल जाते हैं। चाहे किसी को भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई बनाओ, परंतु उसमें भी कीड़े भरते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, पापों से छूट जाना ये तुम्हारे बस की नहीं है, इससे मैं छुड़ा दूंगा। परंतु ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा कप और कड़वा कड़वा तो। धर्म तो तुम अपने साथ रखो और धर्म का फल स्वयं भोगना चाह रहे हो, और मैं पापों से और पाप के फल दुख से मैं छुड़ा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखो सर्वधर्मान परिच्छेद का एक दूसरा पहलू ये है, ये है दूसरा प्रकार। भगवान ने कहा तुम धर्म का परित्याग, फिर सर्वधर्म का परित्याग, धर्म का आश्रय छोड़ दो भगवान का आश्रय लो एक पक्ष है, सब धर्म निष्काम भाव से करो और भगवान की शरण लो निष्काम भाव से, ये दूसरा पक्ष है। संन्यास ग्रहण करो ये तीसरा पक्ष है। और भक्त लोग तो इसका अर्थ करते हैं परिच्छेद्य का अर्थ है भगवती समर्पित, भगवती निमित्त भगवती विशेष परिच्छेद्य समर्पित, भगवान ही हृदय में बैठ करके धर्म करने की प्रेरणा देता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही धर्म किया जाता है। इसको निमित्त सप्तमी और विषय सप्तमी बोलते हैं भगवती समर्प्य। हे प्रभु मैं कुछ न करता हूं न कराता हूं, तुम ही करते कराते हो। यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं, त्वया कृतं तु फलभुक्तं त्वमेव मधुसूदन। जो कुछ किया और जो कुछ करूंगा वो न मैंने किया और न मैं करूंगा, त्वया कृतं तु फलभुक्तं त्वमेव मधुसूदन। तुमने किया और तुम ही करोगे, इसलिए बाबा जो कुछ फल मिलने वाला हो वो हमको न मिले तुमको मिले। हमने अब तक जो धर्म किया है, जो यज्ञ किया है, दान किया है, शुभ कर्म किया है, उसका फल सुख हमको मिलने वाला है धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार। तो उसका वो जो फल है सुख वो हम तुमको अर्पित करते हैं सर्वधर्मान परिच्छेद्य। बोले भाई पाप भी अर्पण कर दो। बोले राम राम।
का फल तो दुख होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको अपना पाप पेटी अर्पित करेंगे, पाप अर्पित करेंगे तो उसको दुख होगा ना। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको दुख मिलने की कोई संभावना हो तो उस संभावना को दूर करने के लिए भी हम अपने को नरक में डालने को तैयार हैं। अब हम अपना पाप उसको अर्पित करें, पापों का फल दुख अर्पित करें, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे प्रेम को समझ गया, तुम धर्म तो अर्पित करने को तैयार हो, अपना सुख तो अर्पित करने को तैयार हो, परंतु तुम्हारे हृदय में प्रेम इतना है कि अपना पाप अर्पित करना नहीं चाहते हो, क्योंकि पाप अर्पित करोगे तो पाप का फल तो दुख है, दुख अर्पण करना हुआ। और ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छी चीज अर्पित करो तो हजार गुना हो जाती है, और बुरी चीज अर्पित करो तो कहीं वो भी हजार गुना हो जाए, तो हजार गुना पाप हजार गुना दुख। तो मैं समझ गया तुम्हारे हृदय की बात, मैं समझ गया। अच्छा तुम पुण्य पुण्य अर्पित कर दो और पुण्य का फल सुख अर्पित कर दो, रह गए पाप तो उनके नाश की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, उनके छुड़ाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अहम त्वा सर्व पापे दियो मोक्षयिष्यामि। पर बात यह है कि जब तक तुम चाहोगे कि धर्म मेरे पास रहे और पाप छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। भगवान ने जो समर्पण की विद्या बताई उसमें ये बताया, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि सदा सिजत, यत तपस्यति कौन्तेयो तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभा शुभ फलैरेवं मोक्ष्यते कर्म बंधनैः, सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। सभी वैष्णवाचार्यों ने ये निश्चय किया कि भगवान को पुण्य तो अर्पण करना चाहिए, जब पुण्य करो तब कहो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। प्रत्येक धर्म कर्म के अंत में बोलो श्री कृष्णार्पणमस्तु, इदम अग्नये नमः, इदम इंद्राय नमः, इदम भगवते वासुदेवाय नमः। ये अग्नि देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं है। ये इंद्र देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं है। ये भगवान वासुदेव के लिए है, मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं, न मामा। आयुर्वेद संहिता में तो कहा कि इसी न मामा को न मामा, मेरा नहीं मम न, इसी को नमः बोलते हैं। नमः को छोटा करके नमः बना दिया, न में इसी नमः, मेरा नहीं तेरा। आयुर्वेद संहिता पंचरात्र का बहुत अद्भुत ग्रंथ है और विशाल ग्रंथ है। उसमें तो वो सब जो पहले अस्त्र शस्त्र बनाते थे ना, ब्रह्मास्त्र और इसी का अस्त्र, वायव्यास्त्र, मेघास्त्र, उनसे बनाने की विधि भी लिखी हुई है कि ये कैसे बनाए जाते हैं। उनके मन तो धीरे थी, अकाराधिक्रम से उसमें सुदर्शन के सहस्त्र नाम है, बहुत अद्भुत आयुर्वेद संहिता पंचरात्रों का ग्रंथ। बोले ना मामा मेरा है। तो बोले कि भाई भगवान को अच्छी अच्छी अर्पित कर दो, तो अच्छे तो गए भगवान के पास और अपने पास रह गए बुरे। तो अच्छे अच्छे भगवान को अर्पण करने के बाद जब अपने पास बुरे रहे तो बुरे का दुख अपने को भोगना पड़ेगा, तब तो पुण्यार्पण के बाद हम तो दुखी ही रहेंगे। बोले नहीं, भगवान ने कहा ये बात नहीं है। तो वैष्णवाचार्यों ने इसकी युक्ति ये निकाली कि अच्छे अच्छे तो भगवान को अर्पित कर दो और बुरे बुरे का निवेदन कर दो,
निवेदन करना दूसरी चीज है और अर्पित करना दूसरी चीज है। माने ये कबूल कर लो, स्वीकार कर लो भगवान के सामने कि मैंने ये बुराई की है, मैंने ये बुराई की है, मैंने ये बुराई की है, हे प्रभु हम आपकी जानकारी में देते हैं। ऐसे नहीं कि हे प्रभु आप तो जानते ही हो, ये बात गलत है, हो कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो जानते ही हैं, ये बात नहीं, ये चोरी है। माने हम अपने मुंह से अपनी बुराई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, सब कहते हैं हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो जानते ही हैं, उनको मुंह से बोल के निकालना पड़ता है कि हमारे अंदर ये गलती है, हमारे अंदर ये दोष है। अच्छा, हमारे हमारे अंदर तो ये दोष बहुत पुराना है, आप नहीं जानते थे। अरे बाबा, जानते हो कि न जानते हो, तुमने कुछ कहा नहीं, और दुनिया भर की बात अगर बिना बिताए बताए आदमी जाने तो वो पागल होगा, वो विक्षिप्त होगा, विक्षिप्त होगा। क्यों जानना? तो भाई समाचारियों ने कहा कि नहीं, अपने दोषों को समझ के जान के उन्हें भगवान के प्रति निवेदन करो, अर्पण मत करो, निवेदन करो कि हमारे अंदर ये दोष है, आप चाहे तो इसका दंड दे, सजा दे, और आप चाहें तो माफ कर दें। आप तो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप सजा दें तो आपकी दी हुई सजा हम भोगना चाहते हैं। हमारे पाप जो हमको सजा देना चाहते हैं, सजा तो वही होगी, पाप भी देंगे, भगवान भी देंगे, लेकिन पाप की दी हुई सजा दूसरी होती है और अपने प्यारे भगवान की दी हुई सजा दूसरी होती है। हो अपने प्यारे के हाथ की मार जो है वो प्यार से भी बढ़िया होती है। प्यार में यदि ममता होती है तो मार में अतिशय ममता होती है, अतिशय ममता होती है। हम सजा लेंगे पर तुम्हारे हाथों से लेंगे, तुम हमें दंड दो चाहे माफ कर दो, पर हाथ तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा हाथ दिखता रहे कि प्रभु अपने हाथ से ये प्यार दे रहा है, ये मार दे रहा है, तो हमको सजा भोगने में तो दुख भोगने से भी ज्यादा मजा आएगा, सजा में मजा आए अगर वो प्यारे का दिया हुआ हो। तुम तो सजा देखते हो, देने वाले को नहीं देखते हो, तो निवेदन कर दिया। अब भगवान का कहना है कि तुम काम करते हो तो दत्त करो, जो खाते हो तो भी अर्पित करो। बिल्कुल डरने की चीज नहीं है कि पहले हम थाली में रख के पहले भगवान को अर्पित कर ले तब खाएं। परमात्माओं की बात मैं नहीं कहता हूँ, संतों की, भक्तों की बात। एक बार हम गए थे कहीं बलिया में, गंगा किनारे, दया छपरा गए, तो एक संत वहाँ आए थे, उनके साथ बैठे भोजन करने, तो सब चीज पड़ता जा रहा था महाराज, भोग लग गया, पानी घुमा गया, दिया गया, भोजन करना शुरू हो गया। भोग लगने के बाद भोग लगा के भोजन करने लगे, उसके बाद दही आया, दही पहले पड़ता नहीं गया था, तो किसी ने कहा भाई भोग नहीं लगा दही का तो हम नहीं खाएंगे, किसी ने कहा हम बिना भोग लगाए भी खा लेते हैं, कोई बात। एक संत को जब दही परता गया तब फिर से उन्होंने पानी उठाया, भोजन तो कर रहे थे, फिर से पानी लिया हाथ में और भगवान को अर्पित कर दिया। बोले कि क्या करते हैं? तो बोले कि हमारा उनका ऐसे ही रिश्ता है, वे हमारा जूठा खाते हैं, हम उनका जूठा खाते हैं, है ना, हम अपने मुंह में डालते हैं तो थाली में ही वो खाते हो तो बात नहीं, और पहले खा लेते हो तो बात नहीं, जब हम अपने मुंह में डालते हैं तो मुंह के भीतर बैठ के भी वो खाते हैं। हमारा उनका रिश्ता ऐसा है, अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त प्रधान्यन्नम चतुर्विधम। भगवान हमारे केवल स्वामी थोड़े ही हैं, हमारे पुत्र भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे पति भी हैं, हमारे प्रियतम भी हैं,
प्रेयसी और प्रियतम में क्या होता है उच्छिष्ट। तत्र उच्छिष्ट एव परमं पावित्र्यं आवहति। जो जूठा नहीं है भगवान का वो अशुद्ध है, जो जूठा नहीं है प्रेमी प्रियतम का वो अशुद्ध है, और जो प्रेयसी प्रियतम का जूठा है तो वो परम पावित्र पवित्र है। पावित्र्यं आवहति परम पवित्रता है उसमें। तत्र अभिनय एवं विनय, आप प्रेम नगर की बात जानते हैं, जिठाई करना वहां विनय है, और विनयो अभिनय, अभिनय करना अभिनय है। ये प्रेम पत्थनम है, वो संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है, उसका नाम है प्रेम पत्थनम। प्रेम नगर, प्रेम नगर के 64 कानून वो नए ही है। वहां प्रियतम की कोई चीज चुरा ली और वो परेशान होते हैं, पूछते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कभी हाँ करो कभी ना करो, कभी हंस दो कभी है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे मोहनी हंसरे देन करे नच जाए। प्रेम की बात, प्रेम के नगर का कानून अलग ही होता है। 64 कानून प्रेम नगर के होते हैं। ये रसिकोत्पंग की रचना है संस्कृत में, अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। अच्छा जी, तो प्रेम नगर के कानून तो बहुत भगवान को जप करो, जदत्नासी जज्ज हो से होम करो भगवान के लिए, दान करो तो भगवान के लिए। मत देखो ब्राह्मण है, अभी पढ़ा लिखा है, योग्य है, पढ़ा लिखा ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वो एक से एक अधिक पढ़े लिखे होते हैं तो दूसरा उसके सामने मूर्ख हो जाता है। सदाचारी का एक से एक अधिक सदाचारी होते हैं तो दूसरा उसके सामने दुराचारी हो जाता है। कब का सदाचारी दुराचारी की हिस्ट्री सीट मत खोलो, पढ़े लिखे की परीक्षा मत करो। भगवान की वस्तु भगवान को देते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद शुद्ध में समर्थ है, चीज तुम्हारी है प्रभु हम तुमको देते हैं। धर्म का दान दूसरा होता है, उद्देश्य काले पात्र वो होता है धर्म का दान है? और ददाति यत् यत् तपस्यति कौन्तेय तत्पुरुषम अर्पणम। भगवान को दो अपना कर्म, भगवान को दो अपना भोजन, भगवान को दो अपना हवन, भगवान को दो अपना दान, भगवान को दो अपनी तपस्या, भगवान को दो तत्पुरुष का मदन। ऐसे हमारे एक मित्र इस श्लोक को ऐसे बोलते थे, यत करोमि यत अश्नामि यत जुहोमि ददामि यत यत तपस्यामि भगवन् तत करोमि त्वदर्पणम्। ऐसे बोलते थे प्रभु, वो आपको अर्पण। तो भगवान ने कहा, भाई अच्छा है तुमने अच्छा अच्छा तो हमको अर्पण कर दिया, और अब हमको अर्पण करने के बाद बुरे बुरे का तुम फल दुख भोगोगे, तो दुनिया में फिर हमको कोई कुछ अर्पण नहीं करेगा। अरे बाबा, जो भगवान को अच्छाई अर्पण करता है वो तो उसके पास तो सिर्फ दुख ही रह जाता है, पाप ही रह जाता है, हमारी भक्ति का संप्रदाय ही लुप्त हो जाएगा। तब भगवान ने कहा कि तुम तो अर्पण करोगे अच्छा अच्छा, लेकिन मैं सुबह सुबह फल ही रेवम मोक्ष से कर्म बंधन ही, मैं सारे कर्म बंधन मिटा दूंगा, वो चाहे शुभ के फल हो चाहे अशुभ के, चाहे शुभ फल सुख देने वाले हो चाहे अशुभ फल दुख देने वाले हो, मैं सबका बंटाधार करूंगा। ऐसा हमको अपना शुभ अर्पण करने के बाद हमारा भक्त दुखी हो जाए, ये हम कैसे सह सकते हैं? और समर्पण की प्रक्रिया, शरणागति की प्रक्रिया बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, इसलिए अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। असल में शरणागति भी क्षमा याचना भी उत्तम पुरुष के प्रति ही ठीक बनती है, तीन पुरुष के सामने वो ठीक नहीं बनती। देखो, शिवी के सामने कबूतर ने
आत्मसमर्पण किया और शरणागति दी उत्तम पुरुष। उसने कहा हम मांस काट के दे देंगे परंतु कबूतर नहीं रहे। इंद्र देवता काटते ही रह गए। शरणागत का संरक्षण भी एक धर्म है। एक कथा आती है, एक दिन कोई राजा बैठा था, दुर्वासा भी आए, हार ऐसे दूर से देख गए तो नारद जी ने उसको इशारा कर दिया, ये कोई महात्मा है, देखो कैसा तो मैला कुचैला कपड़ा पहनता है। दुर्वासा शब्द का संस्कृत में यही अर्थ होता है, दुष्टम वासो यज्ञ असौ दुर्वासा, मैला कुचैला गंदा कपड़ा पहनता है, टीखड़े ले लेके शरीर में लपेट लेता है और बस क्रोध में मगन रहता है। देखो इसने बहुत लोगों को क्रोध कर करके बड़ी तकलीफ की है, राजा देखो तुम इसके पास मत जाना और इसे जान पहचान मत करना, इससे बोलना मत, इसको नमस्कार मत करना। अरे मेरे बाप, ने कृष्ण ने दुर्वासा जी से पूछा महाराज हमारे योग्य सेवा बता। दुर्वासा जी ने कहा बहुत बढ़िया, आज तो हमारी अच्छी सेवा है, अमुक राजा ने हमारा अपमान किया है, प्रणाम नहीं किया है, कि उसको सूर्यास्त से पहले ही मार डालना है, ये ही मैं सेवा मांगता हूँ तुमसे, दो हमको ये सेवा। भगवान राम ने कहा था। अब महाराज नारद जी को ये बात पता लगी, राजा ने कहा महाराज आपने हमको प्रणाम करने को मना कर दिया, इधर मौत आ गई हमारे सिर पर, अब क्या करें। तो नारद जी ने हमको बताया कि देखो भगवान से तो दुर्वासा ने मारने की प्रतिज्ञा करवा ली, लेकिन तुम हनुमान जी के पास, दोनों कथा है, वो ले गए हनुमान जी के पास और जाके उनकी शरण में हुआ। बोले महाराज आज हमारी मौत आने वाली है, एक राजा हमारा वध करने वाला है, राम का नाम नहीं लिया हो, एक राजा हमारा वध करने वाला है, आपकी शरण में मैं आया हूँ, हे हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी ने सिर पे हाथ रख दिया, अब है बेटा मेरी शरण में आया है, तेरा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता। अब महाराज राम की प्रतिज्ञा थी कि सूर्यास्त के पहले मार डालूंगा और हनुमान जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं इसकी रक्षा करूंगा शरणागत। अब महाराज भगवान रामचंद्र की सेना और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सारी अयोध्या उस राजा के ऊपर चढ़ बैठी कि आज इसको मार डालेंगे। हनुमान जी ने कहा कि देख तू एक काम कर, चाहे मैं खड़ा रहूं कि बैठा रहूं, कि दंडवत करूं कि दौड़ूं कि गिरूं, तू मेरे पीछे बिल्कुल चिपका रहना मेरे पीठ के साथ, बस इतना ही काम करना है। तो राम जी हैं, हैं? जब राम जी तुमको मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं युद्ध करके उनके साथ नहीं बचाऊंगा, उनके साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा, तुम मेरे साथ चिपक जाओ, मेरी पीठ में बस जाओ। महाराज बंध गया और जाके हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत किया राम को, तलाश हुई कि वो राजा कहाँ है, कि वो राजा तो हनुमान जी के पीठ के साथ चिपका गया। कैसे मारे कैसे मारे, बोले कि आओ हनुमान जी अब लड़ाई करो। तो बोले हाँ महाराज लड़ाई करेंगे आपके साथ, और करताल हाथ में दी और नाचने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब महाराज राम जी के साथ नाचे और राम जी को मौका ही ना मिले कि बाण मारे उसको, बल्कि उनकी आंख में भी कभी अपने नाम का संगीत सुन के हनुमान जी का प्रेम देख के कभी आंसू आ जाए, कभी धनुष बाण भी ढीले पड़ जाए। बोले नहीं नहीं ठहरो मारेंगे, हमने दुर्वासा जी से प्रतिज्ञा। अब महाराज दो पहर हो गया, तीन पहर हो गया, चौथा पहर आया, सूर्यास्त का समय, जब रामचंद्र मारने के लिए सोचे हैं और इधर तो हनुमान जी के रोमांच हो रहा, आंखों से आंसू गिर, श्री राम जय जय राम नाचने लगे। अब क्या हो, भक्त की प्रतिज्ञा रहे कि भगवान की प्रतिज्ञा रहे,
तो महाराज दुर्वासा जी आ गए देखने के लिए कि अभी मारा कि नहीं मारा। तो उधर हनुमान जी नाच रहे, उनकी आंख से आंसू गिर रहे, उनके शरीर में रोमांच हो रहा। उधर रामचंद्र के हाथ में धनुष बाण ज्यों का त्यों, उनकी आंख से भी आंसू गिर रहा, उनको भी रोमांच हो रहा। दुर्वासा जी ने आके देखा तो उनका क्रोध पानी पानी होके गल गया, हो गल गया। बोले राम बस बस अब मारने की जरूरत नहीं है, ये तो भक्त के शरणागत है, वो भक्त के शरणागत। उधर महाराज अर्जुन ने शरण में तो ले लिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु जब मालूम हुआ कि उधर कृष्ण ने इसके वध की प्रतिज्ञा की है तो आप क्या करें, अब तो अर्जुन मुंह लटका के बैठे, बोले अब हम मर जाएंगे, शरणागत रक्षा की हमारी जो प्रतिज्ञा है वो टूट जाएगी, अब क्या करें। इसी बीच में सुभद्रा आ गए, उनकी पत्नी, क्या मुंह लटका के बैठे, पत्नियां तो डांटती भी है ना, इनको महाराज जन्म सिद्ध अधिकार है डांटने का। ओ आपने सुना कि नहीं, एक वकील का छोटा सा लड़का था, उसने जाके अपने बाप से वकील से शिकायत की कि हमारी मम्मी ने हमको मारा है, ऐसे किया है वैसे किया है। तो उसका बेटा है और इतना कानून भी नहीं जानता, तो हक्का बक्का हो गया कि क्या बात है। का कानून ये है कि छोटी अदालत की अपील बड़ी अदालत में की जाती है और तू बड़ी अदालत की अपील छोटी अदालत में कर रहा है। तो ये पत्नी की अदालत बड़ी अदालत है भाई। सुभद्रा ने डांटा अर्जुन को, बड़े वीर बनते हो और मुंह लटका के बैठे हो, क्या बात है हमको सुनाओ। बोले कि हमने इसकी रक्षा की प्रतिज्ञा कर ली है राजा की, देखो हमारे सामने बैठा है, और उधर श्री कृष्ण ने आज ही सूर्यास्त तक इसको मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, तो अब श्री कृष्ण और हमारे विवाद हो गया, हम क्या करें, उनसे लड़ें। सुभद्रा बोली कि अपने धर्म की तुमको रक्षा करनी चाहिए, कृष्ण को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, मारने का प्रयास करना चाहिए, और तुम्हारा जो धर्म है शरणागत रक्षा रूप धर्म, उसका पालन तुमको करना चाहिए, तुम अपने धर्म से क्यों डिगते हो। तब अर्जुन को कुछ होश हवास हुआ, ठीक हुआ, बोले ठीक है हमको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पर समस्या ये है कि हम हमेशा किसी वीर से लड़ते हैं तो श्री कृष्ण हमारे सारथी होते हैं, रथ हाँकते हैं, अब तो हमारे पास कोई सारथी नहीं है। सुभद्रा बोली कि मैं हूँ कृष्ण की बहन और उनसे कुछ कम नहीं हूँ, मैं सारथी बनूंगी। अब रथ सजा, रथ पर ही उस राजा को भी बैठा लिया हो और बैठ, उधर कृष्ण की चढ़ाई, इधर अर्जुन सामना करने वाले। अब श्री कृष्ण को फेंकना था तीर, अब वहां तो रथ पर महाराज सामने सुभद्रा जी बैठी, बोले कहीं इसको लग तो इस स्त्री को, बहन को, स्त्री को, बहन को, और एक अच्छा काम शरणागत की रक्षा का कर रही है। अब महाराज श्री कृष्ण तीर चलावे चला ही नहीं, वह बड़ा विवश, बड़े विवश, बड़े विवश। दुर्वासा जी देख रहे कि क्या करते हैं, तो जब देखा कि श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के सामने, सुभद्रा के सामने इतने विवश हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस देखो श्री कृष्ण तुम भक्ताधीन हो, भक्त परवश हो, अब हो गई हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब वो राजा हमारा अपमान करने वाला राजा नहीं है, अब तो तुम्हारे भक्त का भक्त है, दासान उदास है, वो तो अभिमान छोड़ के अब शरणागत हो गया, जब जो अभिमान था उसका वो मर गया, जब अभिमान उसका मर गया, भक्त भक्त हो गया, दासान उदास हो गया, तब उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई शरणागति ग्रहण भी करना, और ये जीव धर्म है भगवान की शरण में हो जाना, भगवान का धर्म है शरणागत की रक्षा करना, उसके लिए भगवत्ता को, ऐश्वर्य को भी तिलांजलि देनी पड़े, भगवान इसके लिए स्वीकार हैं।
ना हम आत्मान माता से मद भक्त साधु घर बिना, मैं अपने भक्त साधुओं के बिना जिंदा रहना भी कबूल नहीं करता। मद भक्त ही साधु घर बिना, ना हम आत्मान माता से, मैं जीवित रहूंगा इसकी कोई आशा नहीं। क्यों? हमारे भक्त, हमारे प्रेमी, हमारे साधु, ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। तो जैसे शरणागत का धर्म होता है वैसे शरण का भी धर्म होता है भला। तो शरणागत का धर्म ये है कि वो अनन्य हो, ये शरणागत का धर्म। अकिंचनोऽनन्य गतिः शरण्य त्वत्पाद मूलं शरणं प्रपद्ये। एक सज्जन हमारे पास आते थे, प्रबुद्धानंद से बड़े मित्र थे, वो वेदांत चर्चा दोनों करते, बहुत चर्चा, बहुत वेदांत विचार सागर की चर्चा में। सो महाराज वो कहते कि हमको भोजन के लिए आटा चाहिए, चावल चाहिए, हमको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, आपके सिवाय यहाँ और कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और महाराज जब मरे तो उनके पास 25,000 रुपए निकले। वो अकिंचन नहीं थे, वो उनकी शरणागति झूठी है। ईमानदारी तो चाहिए ना, अनन्य गति ही पहले से ही साठ गांठ कर रखी, तय कर रखी, भाई इनसे कहते हैं कि हमारी रक्षा करें, नहीं करेंगे तो तुम्हारी शरण में आ जाएंगे। तो शरणागत में दो बात होना आवश्यक है, एक तो अपनी पूंजी उसके पास अपने लिए ना हो, दान की, धर्म की, पुण्य की, तेरे और अनन्य गति, दूसरे का सहारा ना हो। शैव लोग बोलते हैं शरणम तरुणेन्दु शेखर शरणम में गिरिराज कन्यका शरणम पुनरेवता उभौ शरणम नान्यदुपैम दैवतम। मरेंगे तो शंकर जी के हाथ, जिएंगे तो शंकर जी के हाथ। उपमन्यु ने कह दिया इंद्र तुम हमको त्रिलोकी का राज देने के लिए आए हो। उपमन्यु शिव जी का बड़ा भारी भक्त हुआ है, बड़ा भारी भक्त, महाभारत में उसकी कथा है। शंकर जी इंद्र का वेश धारण करके आए, ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए और त्रिशूल हाथ में लिए इंद्र के रूप में शंकर जी आए। बोले उपमन्यु वरदान मांग लो, फटका। उसने कह दिया कि शंकर जी अगर हमको नरक में भेजेंगे तो वहां जाएंगे, लेकिन इंद्र न तो शक्रत्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये, तुम त्रिलोकी का राज्य दोगे हमको, तुमसे नहीं चाहिए। ये नहीं है कि इधर मिनिस्टरी नहीं मिली तो उधर मिल जाएगी, ऐसा नहीं। ये भक्ति में दल बदल नहीं चलती है, गुरु बदल नहीं चलती है, ईश्व इष्ट बदल नहीं चलती है। अरे भाई एक से काम नहीं हुआ तो आओ दूसरे से ले लें। अनन्य गति है, अपने इष्ट देव के प्रति चाहिए अनन्यता, ये है शरणागत का धर्म। किसी वस्तु का सहारा न हो, किसी व्यक्ति का, देवता का, दानी का सहारा न हो। अपि कीटा पतंगो वा भवेयम शंकर आज्ञया न तु शक्रत्वया दत्तम त्रैलोक्यम। दो शरणागत के धर्म है। और शरण का धर्म क्या है कि चाहे शरणागत में कितनी भी बुराई हो, बुराई को देख करके शरणागत का त्याग नहीं किया जाता। शरणागत कहाँ जीत जाएगी निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप मय तिनहि बिलोक हानि। वाह, सर्वधर्मान परित्यजो, सर्वधर्म का परित्याग। और आओ कहा,
ध्याने की जगह बताओ, माम एकम शरणम। नहीं तो यहाँ एकम बोलने की कोई जरूरत नहीं। एकम नहीं बोलना चाहिए तो फिर माम शरणम पर जाओ, इतना ही बोलना चाहिए, माम एव शरणम पर जाओ, माम एकम मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। ये माम क्या है भगवान का? माम कोई कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म है, तो वो शरण नहीं है, शरण लेने का नहीं है, वो तो ज्ञान का है, ज्ञान ही है। का बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा मधुर है। अरे सुंदर है मधुर है तो प्रेम करने के लिए है, सुंदर मधुर से प्रेम होता है। हाँ वो शरणागत की रक्षा थोड़ी कर सकता है सुंदर मधुर। अच्छा तब उसमें बड़े बड़े गुण हैं, गुण हैं क्या होंगे गुण? गुण है तो उसकी उपासना करो। तब शरण किसकी लेना? शरण लेना उसकी भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवान के स्वभाव की शरणागति होती है। अति कोमल दीन दया पतित पावन अधमोद्धारक, जो स्वयं नहीं उठ सकता उसको उठाने वाले अधमोद्धारक। शील स्वभाव जो है ना वो शरणागति का हेतु होता है, स्वरूप ज्ञान का, और शरणागति स्वभाव के, उपासना गुणों के, और प्रेम का सौंदर्य माधुर्य से भगवान में ये सब है। अच्छा ओम।